गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मेरा नाम हुआ नीलम देवी घर बेला हुआ जिला मधुबनी एक बार आप लोग डॉक्टर लिमसे जिन के लिए ताली दे दीजिए क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम लोग आज तक यहाँ तक आए हैं और डियक्शन को समझ पाए हैं और स्वास्थ्य से भी छुटकारा पा रहे हैं और आगे अपना करियर के भी बनाएंगे तो हम आज आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ बताना चाहती हूँ कि डिएक्शन एक जो कंपनी है जो पूरे नंबर वन में है विश्व में है क्योंकि यहाँ से आप हर एक चीज ले सकते हैं अगर आप में वो जलूर आएगा आप में वो अगर कामयाबी पाने का क्षमता आएगा अगर आप अपने आप को अंदर से मजबूत कर लीजिएगा कि हमें यहाँ से हर कुछ लेना है तो आपके लिए एकदम आसान है इसमें कोई किसी को कोई नहीं नीचा कर सकते हैं क्योंकि आप में वो जलवा होना जरूरी है क्योंकि यहाँ रिएक्शन प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है रिएक्शन कंपनी एक ऐसा कंपनी है कि स्वास्थ्य से हम लोग को जो छुटकारा मिलेगा लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ हमें यहाँ से इनकम भी मिलेगा ये इनकम के साथ हमें यहाँ पर मान सम्मान भी मिलेगा मान सम्मान के बाद हम लोग के यहाँ से देश विदेश की यात्रा भी मिलेगा जो हम कल्पना नहीं कभी कर चुक पाए थे जो हम कभी नहीं सोचे थे यहाँ पर सब कुछ मिलेगा क्योंकि हमको भी शुरू में लगता था कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये चाय या कॉफ़ी या डक्शन बहुत सारा ऐसा कंपनी है बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है इस सब कुछ नहीं है लेकिन जब हम इसको ये जो अट्ठाईस तारीख का पटना में जो मीटिंग था उस एक बार जो अठारह दो हज़ार अठारह में जो मीटिंग था उस मीटिंग में जो हम गए थे तो वहाँ पहला मीटिंग में जो हम गए थे तो उस समय हम स्टार थे लेकिन वहाँ जाकर यहाँ तो हम लोगों लगता था कि स्टार बहुत बड़ा लेवल हासिल कर लिए हम बहुत अच्छा हो गए लेकिन जब वहाँ जाने के बाद हमको लगा कि स्टार का कोई वैल्यू नहीं था डायमंड तक के भी वहाँ पर हम लोग का हज़ारों लाखों में डायमंड थे हजारों लाखों में स्टार थे हजारों लाखों में रूबी स्टार थे तो वहाँ जाकर हम लोग अपने आप पर बहुत महसूस किया जो हम लोग इसके आगे में कुछ भी नहीं है लेकिन जब फिर कोरोना के वजह से दो साल तीन साल मीटिंग बैक हुआ उसके बाद फिर क्या कहते हैं अट्ठाईस तारीख 2022 में जो मीटिंग हुआ था पटना में फिर हम वहाँ गए वहाँ जाने के बाद हमको फिर लगा हम वहाँ अभी हम डायमंड लेवल पर हैं फिर भी दो तीन साल वहाँ पर मेरा डायमंड लेवल लग चुका है लेकिन फिर भी हम वहाँ जाने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमारा डायमंड भी कुछ भी नहीं है वहाँ जाने के बाद हमको लगा कि वो और कुछ लेवल हम अगर बढ़ा लेते तो वहाँ हमको और कुछ मिलता लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको ये सीख मिला है कि हम आगे जो मीटिंग होगा फिर 2023 में तो हम अपने आप को लेवल बढ़ाएंगे और जितने हमारे नीचे में स्टार है सब स्टार को रूबी स्टार को यही सबको हम मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को कमजोर मत समझिए अंदर से ऐसा हौसला बना कर रखिए ऐसा हिम्मत बना कर रखिए जो आपको कभी कोई चीज़ का निगेटिव सोच नहीं रखना है पॉजिटिव सोच रखना है जब अपने आप में आप पॉजिटिव सोच रखिएगा कि क्योंकि शर्म नहीं करना है शर्म कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ जाने के बाद लगा कौन लड़की कौन महिला क्या नहीं कर सकती है एक बाहर के महिला आती है गाय कलाकार स्टेज पर गाना गाती है कोई मंत्री बनती है कोई मतलब डॉक्टर बनती है कोई पीओ बनती है कोई तो वो लड़की कभी शर्म किया जब वो कुछ भी बन सकते हैं तो हमें तो यहाँ स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत कुछ देने वाला है तो इस चीज पर हमको ध्यान देना है और ध्यान देकर हमको आगे निकलना है जब अपने आप अप दिल को आप अंदर से मजबूत नहीं कीजिएगा अंदर से अपने आप अप जलवा को नहीं बढ़ाइएगा तब तक आज कुछ नहीं कर पाइएगा क्योंकि जो आदमी मिलता है वो आदमी को आप डियक्शन के बारे में बताइए क्योंकि डिएक्शन जो कंपनी है डायरेक्ट कंपनी है इसको करने के लिए कोई किसी को दुविधा नहीं है हर एक आदमी इसको कर सकता है लेकिन बस्तर उसका जानकारी नहीं है आप सही ढंग से अगर जानकारी दीजिएगा कि डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में कौन नहीं चाहता ऐसा कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा मिलेगा आपका स्वास्थ्य तो मिलेगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा कहीं पर पैसा मिलेगा लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा कहीं पर आप पैसा भी कमा लीजिएगा लेकिन मान सम्मान नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ जो रिएक्शन एक नंबर वन का कंपनी है यहाँ पर आपका हर एक चीज मिलेगा सबसे पहला आज के डेट में हर एक इंसान जानते हैं कि स्वास्थ्य के लेकर हम लोग इतना परेशान है इतना परेशान है जो ये हम कह नहीं सकते कौन ऐसा घर परिवार है जो डॉक्टर के इलाज नहीं करवाते हैं डॉक्टर के चक्कर नहीं लेते हैं लेकिन जब आप ये डिएक्शन के बारे में जान लीजिएगा डशन कंपनी के बारे में जान लीजिएगा तो कभी आपका स्वास्थ्य पर कोई आंच नहीं आएगा कभी आपको डॉक्टर का चक्कर नहीं लगेगा कभी आप जो कमाया हुआ पैसा है कभी गलत जगह नहीं जाएगा क्योंकि यही एक ऐसा कंपनी है जो आपको हर एक चीज़ का राह दिखाएगा हर एक चीज़ का जानकारी मिलेगा तो सबसे पहला अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हर एक चीज़ अच्छा लगता है अगर मेरा स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अगर मान के चलिए आपके पास बहुत सारा दौलत है लेकिन आपके पास बहुत सारा खाना यहाँ पर रखा हुआ है लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या खाना आपको अच्छा लगेगा नहीं।, नहीं अच्छा लगेगा आपके पास बहुत सारा पैसा है आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो आप कहीं घूमने के लिए भी जा नहीं सकते घर में बैठे बैठे अपना बोर फील कर सकते आप दो डेग चल नहीं सकते लेकिन यहाँ आने के बाद आपको डिएक्शन को जानकारी लेने के बाद आपको कभी ऐसा नौबत नहीं आएगा आपको जो खाना खाने का मन होगा वो आप आराम से खा सकते हैं कोई आपका रोक ठोक नहीं है क्योंकि मेरा जो ये ऋषि गेनोटी टी गेंडरमा गेनो डाला हुआ जो चाय है ये एक अनमोल जड़ी बूटी का बना हुआ चाय है अगर आप कुछ भी खाना आपका खाने का मन हो कुछ भी आप खाइएगा अगर दो चार गिलास ये चाय पी लीजिएगा तो आपका सारा चीज आपका पच जाएगा दस से पंद्रह बीस मिनट में तो हम लोगों को कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है क्योंकि इतना दिन ये जो कंपनी है कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है तीस साल पुराना कंपनी है लेकिन हम लोग इतने दिन से जानकारी में नहीं थे अंधेरे में थे पता नहीं था कि इतना अच्छा चीज़ हम लोग को बगल में है लेकिन हम लोग जानते नहीं थे लेकिन आज एक दूसरे के माध्यम से बबलू सर के माध्यम से सुनील सर के माध्यम से हमको इस चीज़ का जानकारी मिला तो हमको भी दायित्व तो होता है कि जब हम भी अंधेरे में थे हम भी नहीं जानते थे इसके बारे में हमें भी कोई जानकारी दिया तो इस चीज़ को समझे इतना प्यार से बताएं समझाए कि हर चीज़ सिखाएं तो हमें भी दायित्व तो बनता है कि हम भी किसी आदमी को इस तरह से बताएं समझाएं खिलाएं, पिलाएं कि भाई आप जो इतना दिन भटकते थे नहीं जानते थे वो बात को छोड़िए लेकिन आज से इस डिएक्शन को चाय ऋषि चाय के बारे में जानिए डिएक्शन कंपनी को बारे में जानिए आपको आने वाला भविष्य चेंज हो जाएगा आने वाला करियर आपका बन जाएगा अब आज के डेट में अगर आप समझ लीजिएगा तो आने वाला भविष्य में नहीं आपका बच्चे कभी बीमारी में जाएगा नहीं आपका बच्चे कभी गरीबी को ओर जाएगा क्योंकि ये जो चाय है अगर जिसके घर में ये चाय पीता रहेगा बनता रहेगा आता रहेगा अगर आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आपका बच्चे भी समझ लेगा आपका जितना पीढ़ी नीचे जाएगा वो भी समझता जाएगा कि मेरे पापा मेरे दादा ये चाय पीते थे तो कभी बीमार नहीं होते थे अगर आज हम भी इस चाय को आदत लगाएंगे हम भी ये इस चाय इसी गेनो टी को पिएंगे तो हमें भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको हर एक प्रॉब्लम से हर एक बीमारी से बचना है तो आपको ये रिएक्शन ऋषि गेनो टी चाय को आपको अपनाना पड़ेगा गेनो डर्मा को बारे में जानना पड़ेगा लेकिन इसके लिए डॉक्टर लिम्सोजिन कोई मामूली आदमी नहीं था इसके लाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं जैसे कि रत्ना बासुपाल प्रोफेसर यानी कि एस रंजन डॉक्टर जब इतने इतने महा डॉक्टर सब इस चीज़ को धरती पर लाए क्या कहते हैं भारत में लाए कि हम लोग को जानकारी देने के लिए जब वो लोग कर सकते हैं जब उनके पास कोई चीज़ का कमी नहीं था पैसा भी था शहरत भी था दौलत भी था अगर वो इंसान कर सकते हैं तो हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते हैं हमारे पास तो हर चीज़ का कमी है स्वास्थ्य का भी कमी है पैसा का भी कमी है जो सपना हम चाहते हैं वो भी नहीं देख सकते लेकिन इसके माध्यम से हम हर एक सपना को पूरा कर सकते हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है कुछ भी दिक्कत दिक्कत नहीं है अगर हम खुद को इस चीज़ को जानकर दूसरों को भी जानकारी देंगे दूसरों को भी स्वास्थ्य बचाएंगे, तो कहता है भगवान जी अगर आप दूसरे को बारे में सोचिएगा तो वो आपका भलाई ज़रूर होगा तो ये दूसरे का मदद करने का बिजनेस है अगर आप जान लीजिएगा और दूसरों को भी जानइएगा तो वो भी आपका बिजनेस दूसरों भी होगा दूसरों को मदद कीजिएगा तो वो मदद आपका होगा तो इसीलिए अगर आप जितना आप इस चीज़ के बारे में जितना लोग को आप जानकारी देना चाहते सबको दीजिए कोई समझे ना समझे लेकिन आपको बोलना है बताना है कहना है इसमें कोई शर्म नहीं कोई लज्जा नहीं क्योंकि आप अपने आप को इस चीज़ को जानते हैं कि हम जो डिसीगेनोटी के बारे में बताते हैं कोई गलत चीज़ नहीं है दुनिया का जड़ी बूटी का राजा है अनमोल चीज़ है अगर आप इसके बारे में जानकारी दीजिएगा तो एक ना एक दिन जरूर वो आदमी समझेगा कि सच में ये बहुत है जब बड़ा बड़ा डॉक्टर इस चीज़ से ले सकता है बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े आदमी इस चीज़ को खा पी सकता है ले सकता है समझ सकता है तो और लोग क्यों नहीं समझेगा लेकिन उतना वो चीज़ आदमी को जानकारी नहीं रहता है कि तो वो उस चीज़ को समझेगा लेकिन इसके माध्यम से आप हम लोग उस आदमी को समझाइए जानकारी दीजिए कि भाई बहुत अच्छा YouTube दिखाइए नेट पर सर्च करवाइए जैसे हो ऐसे समझाइए कुछ दिन प्यार से समझाइए उसके बाद जब वो समझ लेगा तो आपको समझाना का कोई ज़रूरत नहीं है जैसे अभी हम जैसे शुरू में हमको भी सर समझाते थे तो हम भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे लगते थे ये सब चीज़ नहीं है कुछ नहीं है सर ऐसे ही बोल रहे हैं बात नहीं जब ले जब इसको हम गहराई से जाने गहराई से सोचे तब देखा अभी हमको सर कहता है तब तब वो नहीं कहता है तब हर एक महीना पैंतीस सौ तो कभी हम पी भी कम नहीं किए लेकिन वो दम दो महीना लेकर हम पाँच हज़ार पर्सनल पी भी हर एक महीना करते हैं अपना खा पी कर भी और दूसरे को बता कर भी जब हम सोच लिए जाए क्योंकि दो महीना से पाँच हजार पर ऑफर भी है कि पाँच हजार पी भी पर एक बड़े एसपाइलूना है तो हम जब कंपनी इस ऑफर को दिए हैं डायमंड सबको स्टार सबको पाँच हज़ार पर है तो हम इस चीज़ को कैसे छोड़ देंगे तो हमको तो बेचना है करना है जो एक आदमी इस चीज़ को समझ लिया तो दोबारा तो लेवे करेगा लेकिन उस पर आपको कुछ दिन आपको उस पर ध्यान देना है जब आप समझे कि आप वो स्टार बन गए इस प्रोडक्ट के बारे में समझ लगे फायदा लगे तो अपने आप आए अभी नया लोग उतना नहीं समझ पाते थे जैसे हम लोग भी शुरू में नहीं समझ पाते थे कि पी किसको बोलते हैं कैसे पी वी कराएंगे क्या होगा नहीं होगा एक हजार करना है तीन हजार करना है लेकिन धीरे धीरे आप सब कुछ समझ लिए वैसे ही आपको नीचे वाला लोग पर कुछ दिन आपको ध्यान देना है उसके बाद जब वो नीचे वाला लोग खुद को डायमंड बन जाएगा तो आपको भी ध्यान देने का जरूरी नहीं है वो खुद को समझ लेगा तो कुछ दिन आपको लगेगा कि हमको मेहनत करना है जब मेहनत कुछ दिन कीजिएगा उसके बाद आपको जो है वो मेहनत का रंग जरूर लाएगा एक न एक दिन तीन साल चार साल अभी जो गए पटना में इतना बड़े बड़े लीडर को देखे कोई इसको, मतलब डायमंड क्राउन डायमंड क्राउन एम्बेस्टर तो वो भी स्टारे से शुरू हुए खाते पी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो डिएक्शन में कोई कहा होगा कि शौक से आया होगा पैसा कमाने के लिए यहाँ शौक से पैसा कमाने के लिए कोई नहीं आया था सब आया कुछ न कुछ स्वास्थ्य के लेकर किसी न किसी को स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था हम भी इसमें आए तो शौक से नहीं आए जो हमको यहाँ डिएक्शन में पैसा कमाना है हम हम भी आए थे अपना स्वास्थ्य को लेकर अपना स्वास्थ्य को बचाना है क्योंकि हम भी स्वास्थ्य से परेशान थे जब स्वास्थ्य के साथ साथ हमें कुछ इनकम भी मिलने मिलना शुरू हो गया तब हम जाने कि इतना परसेंट पर इतना पैसा मिलता है इतना परसेंट पर इतना पैसा तो हमको लगा कि जितना लोग को हम बताएंगे जितना हम अपने नीचे में ज्वाइनिंग करेंगे जितना हम लोग कोई प्रोडक्ट के क्योंकि ये प्रोडक्ट हर एक इंसान को ज़रूरी है हम लोग बता नहीं पाते हैं हम लोग उसको समझा नहीं पाते अगर प्यार से ढंग से हम समझाएंगे तो हर एक आदमी इस प्रोडक्ट को सेवन करेगा और हर एक घर में ये प्रोडक्ट चाहेगा कौन नहीं चाहता है कि हम आने वाला भविष्य में सुरक्षित रहे हमारे घर में कोई बीमारी ना आए हमारे घर में कोई परेशानी नहीं हो अगर ये ऋषिगेनो टी चाय पीने से नमक नमक चाय और नमक और ये आस पालू ना ये दो सिर्फ दो चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि शुरू में लगता है सबको ये प्रोडक्ट महंगा है शुरू में लगता है आप लोगों को कि प्रोडक्ट महंगा है तो ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ़ ये चाय को सुबह शाम दो लीटर पानी घोर के पूरे परिवार को साथ पीना है और साथ में ये एसपाइलुना लेना है क्योंकि आज के डेट में सब जानते हैं कि भोजन जो हम लोग को पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहा है भोजन के कमी से हम लोग इतना बीमारी को ओर जा रहे हैं तो ये आसपायलुना में क्या है गाय से दूध से चौदह गुना साबीन से छः गुना अंडे से दो गुना ज़्यादा पोषक तत्व डाला हुआ है समुद्र क्या कहते हैं पूरे नेचुरल है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये एसपाइलू खाने से हमारे शरीर में जिंदा ब्लड बनाने का भी काम करते हैं अगर हम आज कुछ फल फूल काजू किशमिश माँच मछली कुछ नहीं भी लिए लेकिन हमारे शरीर के डेली चाहिए अगर ये आइसपालना अगर हम सुबह शाम ले लिए तो हमारे शरीर में सारा विटामिन मिल गया तो अगर ये दो चीज़ हम पिएंगे आने वाला समय में हम कभी लिकुड़िया में नहीं जाएंगे कभी पथली में नहीं जाएंगे कभी डायबजीज में नहीं जाएंगे कभी कैंसर में नहीं जाएंगे, कभी थायरस में नहीं जाएंगे, कभी माथा के प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे, कभी गठिया बातरस के दर्द में नहीं जाएंगे, तो अगर हजारों बीमारी से अगर हमें ये दो प्रोडक्ट अगर बचाएंगे तो खाने में क्या दिक्कत है लोग कहता है कि हम अभी बीमार नहीं हैं हम जब बीमार पड़ेंगे तब खाएंगे। लेकिन जब बीमार आप पड़ जाइएगा तब आपके समय हाथ से निकल जाता है सूर्य से आप जब भगवान ये चीज़ को भेज दिए हैं जो ऋषि गेनोटी और आइस पायलूना तो आप सूर्य से इसको दो प्रोडक्ट को लीजिए ज़्यादा कुछ नहीं सूर्य से आ देखिए कि आपके घर में जो बराबर इंग्लिश दवा आता होगा या कोई प्रॉब्लम आता होगा तो धीरे धीरे आपका घर से प्रॉब्लम क्या होगा निकलता चला जाएगा आने वाला भविष्य में आप कभी बीमार नहीं होइएगा तो ये दो चीज़ पीने में खाने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम लोग यहाँ दिमाग नहीं दे पाते हैं मन नहीं दे पाते हैं लापरवाही करके छोड़ देते हैं बोलते हैं कि जो जो होगा देखा जाएगा लेकिन बाद में वही होता है जो हम लोग नहीं चाहते हैं वही हो जाता है लास्ट में क्या होता है हमारे हाथ से पैसा भी निकल जाता है और स्वास्थ्य भी निकल जाता है हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं इसीलिए आप लोगों से मेरा यही अनुरोध विनती है कि जो आप लोग इतना दिन नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं है लेकिन अब ये रिएक्शन कोई मामूली नहीं है पूरे देश में चल रहा है पूरे 204 देश में चल रहा है गली गली गूंज रहा है डिएक्शन का नाम गली गली जान रहा है सब लेकिन आप जान कर भी अनजान मत होइए कि आने वाला भविष्य में आप बहुत बड़ा पछतावा पछताइएगा लेकिन समय होते हुए आप संभल सम्हल जाइए संभलने का दिन आ गया है अगर अभी आप संभल जाइएगा तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा आपका जीवन अच्छा रहेगा आप कभी अच्छा मन कर रहिएगा गुड मॉर्निंग डिएक्शन इसी के साथ मैं अपना वाणी को ख़त्म करते हैं आप लाइक कीजिएगा मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू